गुरुदेव, राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सधर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे गुरुदेव, राज्य उसका करना अच्छा, जो राजा पद के योग्य हो। सेवक का स्वामी बनना तो गुरुदेव अनुचित ही नहीं, कलंकित भी है। हे भरत, आपको राजपद ग्रहण करने के लिए माता की भी आज्ञा है, और माता की आज्ञा का पालन करना भी पुत्र का धर्म होता है। यदि माता की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो एक पाप कर्म तुमको लगता है। हे गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ? वह मत जिसमें दोष लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ? मैं तो यह कहता हूँ भगवत, समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से कहने में भूल हुई, उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, रघुनाथ जी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रातःकाल होते ही भैया राम के पास जाऊं और उन्हें वापस लाकर अयोध्या का राज्य दे दूं। अतः गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है भरत, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है। तुम्हारी बात से मैं भी सहमत हूं भरत। जाओ पुत्र, वन में जाओ और राघव को वन से लौटा लाओ। उनका अधिकार उन्हें सौंप दो पुत्र, अवध का राज्य सिंहासन उन्हें लौटा दो, और इस अभागन कलंकने का कलंक धो भरत, राघव को लौटा लाओ। हे भरतलाल, यदि ऐसा है तो समस्त परिजनों के साथ वन में प्रस्थान कीजिए, हमारी आज्ञा है। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया को मनाने। राम को मनाने, सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया को मनाने। राम को मनाने, सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम। साथियों, मेरा शकुन कह रहा है कि भरत लाल राम को मनाने के लिए आ रहे हैं।
ऐसा ना हो कोई जल्दबाजी में हम ऐसे कदम उठा ले जिसके परिणाम बुरे हो। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हम इनका अभी भाव जान लेते हैं। हम जाइए, आप एक शस्त्र पात्र में पुष्प और एक पात्र में शस्त्र लेकर आइए। हम इन्हीं से भरत जी के मन के भाव को पहचान लेंगे। भरतलाल जी, मैं निषाद राज प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। ये आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूँ जहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण सहित विराज रहे हैं। हाँ भाई, चलिए मुझे शीघ्र उस स्थान पर ले चलिए। चलिए आइए। हे नाथ, आज मैंने स्वप्न देखा कि भरत सेना सहित यहाँ आ रहे हैं और सभी लोग दुखी प्रतीत हो रहे थे। हे भाई लक्ष्मण, ये स्वप्न तो अच्छा मालूम नहीं होता, शीघ्र ही कोई बुरा समाचार सुनाने वाला है। भगवान प्रणाम। भगवान, भरतलाल सेना और सम्मान से इधर ही आ रहे हैं। संभव है कूटनीति से उसने अपना भेद छुपाया हो और थैले में छुरी छिपा लाया हो। हे भाई लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है और यूं भाई पर दोष लगाना उचित नहीं। भैया लक्ष्मण, उनके मनोभाव समझने से पहले उन पर दोष लगाना उचित नहीं। हे माते, भरत पुत्र भी तो किसका है, उसी के सिखाने पर आज आपको वन में अकेला समझकर हम पर चढ़ाई करने आया है। हे भाई लक्ष्मण, अगर ये सत्य है तो फिर भी वह निर्दोष है। हम अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, तो यदि वह अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है तो कुछ बुराई नहीं है। हे दयानाथ, यह आपकी उसी नरमाई का परिणाम है कि राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति एक शिला पर विराजमान है। शांत भैया लक्ष्मण, शांत। हे प्रभु, क्षमा करें जो मैं आपके सम्मुख बोल रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, रघुवंश का अंश, भाई का सेवक, हाथ में धनुष बाण,
और ऊपर से भरत का दिखना, इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं जो मुझे शांत कर सके। हे भाई लक्ष्मण, शांत हो जाइए, भरत हमारा भाई है। भाई भाई, कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आज तीन का सा पांच, जो कभी भुजाओं का बल था, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दे तो क्या डर खूंखारों से। सेवक का तो धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं समझ जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे भाई लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? हे भैया, जब तक भरत धर्मवान था उसे ना हरा सकते थे हम, पर आज वह अधर्मी है, उसका दल अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर सकता है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे पिता और प्रभाव को और कौन जान सकता, कोई भी कार्य उसे सोच समझ कर करना चाहिए। जो बिना विचारे जल्दी में किसी कार्य को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं कहलाते। भैया, हे प्रभु। भरत, भैया भरत, उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। भैया, यह भरत अब आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। भैया भरत, यह संकोच क्यों? इसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं भैया, नहीं, मैं ही आपके मार्ग का शूल हूं, मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप का मह बरसाइए। हे भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप ही आप? हे भैया, मैंने आपका बहुत अपराध किया है। हे भैया, मैंने आप दोनों का बड़ा अपराध किया है। हे भाई भरत, और कौन कौन आए हैं? भैया, गुरुदेव हैं, तीनों माताएं हैं, और कम से कम आधी अयोध्या आई है। तो चलो भाई, हम उनसे पहले मिलेंगे। चलिए भैया। हे भरतलाल, समय अनुकूल जानकर आप अपने मन की बात अपने भ्राता से कहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे प्रभु, माता से जो अपराध हुआ उसका उनको पश्चाताप है, अतः आप उन्हें क्षमा करें। हम क्षमा करें किसको? माँ को? माँ तो खुद
निष्कलंकनी है अपने चारों ही पुत्रों की, जगदम्बा जग जननी है। पुत्र राम, मैं नहीं जानती थी तुम इतने आज्ञाकारी, मेरे एक बार कहने पर ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन को चले आए। मुझ कलंकनी को क्षमा करो पुत्र, वैसे तो मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, किंतु अपनी माता को क्षमा करो पुत्र, पूरी अवध तुम्हारा राह देख रही है पुत्र, पूरी अवध विलाप कर रही है, आओ हमारे साथ चलो और अवध का राज्य संभालो पुत्र, सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्षमा करो राम, अपनी माँ को क्षमा करो। हम और सकल समाज केकई का अपराध क्षमा करते हैं। हे प्रभु, राज्य करे लौटे अवध पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर श्री रघुनाथ। हे भाई भरत, जो हमने एक बार निश्चय कर लिया अब उससे हम नहीं टल सकते हैं, तो इसलिए आप राज्य कीजिए। हे प्रभु, ज्येष्ठ भ्राता के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करें। हे भैया, क्या आप चाहते हैं कि भाई भरत अधर्म करे। हे भाई भरत, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो। हे भरत, जब तक राम वन से अयोध्या ना लौटे तब तक आप अयोध्या की रक्षक बनकर रक्षा करें, और जब वापस आ जाएं तो उन्हें उनका राज्य सौंप दें। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, तब तक सिंहासन कैसे खाली रहेगा। इसका ये उपाय है, हे राम आप अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दे दीजिए। Thank you.
ये शीश पे खड़ा है अखियों में पानी, शीश पे खड़ा है अखियों में पानी, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा है अखियों में पानी, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, राम भक्ति लेके चला राम की निशान। शीश खड़ा ये चलाए से, शीश खड़ा ले चलाए से, शीश खड़ा ले चलाए से, और राम सिया संग गूंजे से, राम सिया संग गूंजे से, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में है राजधानी, अब इनकी छाँव में है राजधानी, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा है अखियों में पानी, राम भक्ति लेके चला राम की निशान, राम भक्ति लेके चला राम की निशान। अरे राजकुमारों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हे खगपति, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। अरे राजकुमारों, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा धर्म का चाचा हूं। हे गिद्धराज, आप हमारे धर्म के चाचा किस प्रकार लगते हैं? हे राम, जब तुम्हारे पिता राजा दशरथ देवव्रत संग्राम में अपने रण कौशल दिखा रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उसी समय उनके रथ का पहिया टूट गया था, तब मैंने अपने पीठ पर बिठाकर उन्हें युद्ध दिलवाया था। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपना धर्म भाई माना, और इस नाते से मैं तुम्हारा चाचा हुआ हूँ। चाचा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, विजय हो। मेरा कुमारो पुत्रो, आप निर्भय होकर यहाँ पर रहिए, मैं आपकी सभी प्रकार से सहायता करूंगा और समय समय पर देखभाल करता रहूंगा। मेहरबान, खबरदार, सावधान रहो, हमारी लंका की राजकुमारी आ रही है। जी मरो मत छोड़ो, अगर किसी ने फुटने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो गोली से उड़ा डालूंगा। सुपन खारा वन की बहनी, दोष हृदय दारुण जसवही
आज हमें हमारी पंचवटी का निरीक्षण करना है, देखना है यहाँ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आता जी, बहुत दिनों के बाद आए हैं इधर, क्या बात है। ये चमेली, ओए होए होए, गुलाब क्या खिल रहा है साहब। आहा चंपा, लेकिन देखिए हम भी रात की रानी हैं, कोई कम नहीं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, ये यहां इतने जवासे के पेड़ कैसे हो गए आए। भाई से कह के इन्हें कटवा देंगे, सबको हटवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, क्या करें, और नजारा भी बड़ा सुहाना है। कहो साहब यहां कैसे आए हो। अजी क्या हो रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा मुस्कुराइए एक बार, थोड़ा देख के कुछ तो कहिए, पत्थर की मूर्ति ना बने। हा हा हा, तुम्हारी कसम क्या बात है, बड़ी खूबसूरत चीज हो। कहते हैं कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, के हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, अरे अच्छी सूरत नजर आ जाए गजल कहते हैं। कैसे, के प्रेम राही को तो मंजिल से हुआ करता है, अजी मोह माझी को तो साहिल से हुआ करता है, अरे प्यार करने के लिए आचल न पसारे कोई, प्यार करने से नहीं दिल से हुआ करता है। हम आपको दिल से प्यार करते हैं, तो आज तो कुछ मौसम ही सुहाना है। अरे हाय बरसन लागी, ये बरसन लागी, अजी समन बुंदिया, और पिया बिन लागे ना मोरी अखियां। हाय बरसन लागी समन बुंदिया, और पिया बिन लागे ना मोरी अखियां। सुन रहे हो ना, आज चार महीना बरखा के आए, ये चार महीना बरखा के आए, बरखा के आए, बरखा के आए, ये चार महीना बरखा के आए, तड़के हाँ हाँ ये तड़के बिजरी फटते छतिया, और पिया बिन लागे ना मोरी अखिया। परेशान लागे ये समन बुंदिया, पिया बिन लागे ना मोरी अखिया। और देखिए ये आपने किसको बिठा रखा है, हमारी समझ में नहीं आता। अरे हमसे भी सुंदर है क्या ये, कुछ तो आप ही सोचो सरकार। अरे हाँ ये चार महीना सर्दी के आए, ये चार महीना सर्दी के आए, हाँ सर्दी के आए, देखो सर्दी के आए, ये चार महीना सर्दी के आए, हाय
पिया बिन मोहे ना आए निंदिया, पिया बिन लागे ना मोरी परिशन लागे समन बुद्धिया, पिया बिन लागे ना मोरी। और देखिए साहब, जो सबसे खतरनाक मौसम होता है गर्मी का, ये चार महीना आज चार महीना गर्मी के आए चार महीना गर्मी के आए, हाय कबून सोई में सुख निंदिया, पिया बिन लागे ना मोरी अखिया, परसन लागे समन बुद्धिया, पिया बिन। हाँ साहब, क्या ख्याल है, कुछ तो देखो हमारी तरफ। आपको देखकर ही कि हुस्न को देख ऐसा लगता है अपने दामन में सबका सब भर लूं। आपके इस रूप को देख करके कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। ए सरकार, जरा इधर देखिए। अरे बरसात में घर जलता हुआ देख रहे हैं, बरसात में घर जलता हुआ देख रहे हो। ए सरकार, इधर देखो, किधर देख रहे हो? कौ साहब, क्या सोच रहे हो? अरे हमसे शादी कर लो, बड़े मजे में रहोगे। हम किसी छोटे मोटे परिवार के नहीं है। कौ जी, अजी छोटे, आप ही सुन लो। ये तो पत्थर की मूर्ति बन के बैठे हैं, क्या इनको हो गया? कुछ तो कहो साहब। आपकी पूजा करेंगे हम। अरे दिल में तुझे बिठा के, अरे कर लूंगी मैं बंद आंखें और पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। अरे दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। और मैं देखूं तुम्हें पिया और न देखे कोई, हाँ ये मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई, मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई, हाँ ये मैं देखूं तुम्हें पिया और न देखे कोई, मन में कोई सोच रहे ना किस विधि मिलना होई,
सबसे तुम्हें बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। हाँ साहब, आई समझ में कुछ? कर लो शादी। हाँ, और क्या हुआ है? ये क्या मुझको हो गया जो कभी रोऊं कभी गाऊं, ये क्या मुझको हो गया जो कभी रोऊं कभी गाऊं, और ये पेड़ से लिपटी बेली जो देखूं, ये लाज से मर मर जाऊं। हाँ, पेड़ से लिपटी बेल जो देखूं, ये लाज से मर मर जाऊं। सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, दिल में रहूंगी तेरी। हाँ सर, तो कर लो शादी हमसे, आनंद में रहोगे। हाँ जी, सुन रहे हो? मैं आपसे कह रही हूं, सुन लो, आप आनंद में रहोगे। अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुमको? हैं? नहीं, अरे कुछ तो कहो। तो सम पुरुष ना मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा बिचारी। देखिए, आपको एक बात और बता दूं कि आपके समान तो इस संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है, और मेरे समान इस संसार में कोई सुंदर स्त्री नहीं है। ये मैंने नहीं, ये तो उस विधाता ने सोच के पहले से ही जोड़ी बनाई है, ये तो आपने खामखा बीच में बैठा ली। बोलो, कुछ मन में आ रही हो तो कहो। हैं? अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। हे सुंदरी, हम तपसी हैं, तो आप हमारा समय व्यर्थ ना करें। आप तपस्वी हैं? हैं? हम आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे देख लो, फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, बता दो, सोचो समझो, बताओ। हे सुंदरी, हाँ, हम तो विवाहित हैं। अच्छा। और ये मेरी धर्म पत्नी है। ठीक। तो आप मेरे छोटे भाई के पास जाइए। नहीं, छोटे भाई के पास तो हम चले जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? हैं? क्या हुआ? ठीक है, छोटे भाई के पास जाते हैं। ए सरकार, आहा, आपका ये मुस्कुराना बिजलियां गिरा रहा है। कहिए, वैसे तो छोटे हो पर कोई बात नहीं है, कुछ तो कहो। हे सुंदरी, हाँ, मैं तो इनका दास हूँ। अच्छा, आप इनके दास हो? मेरे साथ आपको दासी बनकर रहना होगा। हम रह लेंगे, ये भी हमें प्रस्ताव आपका मंजूर है, लेकिन हाथों करो। कहिए, क्या विचार है? हैं? नहीं, ये आपकी काली काली जुल्फें हमें मस्त किए दे रही हैं। अरे काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली
ये काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये काली काली आए हाय काली 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 काली, ये काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली बोलिए क्या विचार है? परेशान ज्यादा मत करो, अच्छी बात नहीं है, कुछ तो कहो ए सरकार। आहा, ये आपकी मीठी मुस्कान, कहिए करोगे शादी? हे सुंदरी, तुमसे वही शादी करेगा कौन जो लज्जा का त्याग कर देगा। अच्छा, जो लज्जा का त्याग कर देगा वो हमसे शादी करेगा, ठीक। अरे मान जाओ। अरे दोनों किसी को नजर नहीं आए, अरे चल दरिया में डूब जाए। चलो चलो आओ। हाँ, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया डूब जाए। आओ। अरे छोड़ो इनको, क्या रखा है, वो तो विवाहित हैं, तुम्हारे पास कोई थोड़ी ना है। चलो, नहीं ये नहीं मानेंगे, ठीक है। तो समझ जाओ हम कौन है, हम कोई छोटे मोटे देश की राजकुमारी नहीं है, हम कौन है बताएं आपको। मेरा परिचय सुन लो, मैं कौन हूं, आप राजी से नहीं मानोगे, मुझे जच रहा है। अरे सुरपरख मेरा नाम है, अजी मैं रस के परी हूं, ये सुरपनख मेरा नाम है, अजी मैं रस के परी हूं, और इस हुस्न के बाजार में कि जिन्स खरी हूं। और सुनिए, ये सहरा मेरी सहनाई का, अजी आलम में है मशहूर, ये सोहरा मेरी सहनाई का, अजी आलम में है मशहूर, अजी अंदाजो अदा नाज नजाकत से भरी हूं। और सुनो, आप कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। अरे आया पसंद आपका और ये रघुवर मुझे अंगेज, आपकी ये खूबसूरती और ये मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने आपसे इतनी विनय की। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं आपको अभी बताती हूं, असली चेहरा आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं। अरे दुष्टा, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अरे कट गई, अरे कट गई। हा हा हा, घर आज मौसम बहुत सुहावना है, परंतु न जाने क्यों मेरा मन विचलित हो रहा है। हाँ भ्राता, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हमारे राज्य में सब कुशल मंगल थे तो हैं। अरे भाई खरदूषण, धिक्कार है तुम्हारे बल और वीरता पर। क्या? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे इलाके में तुम्हारी बहन सुपर्णखा की नाक और कान काट लिए। बहन सुपर्णखे, क्या कहती हो, नाक कटा लगती हुई, ये चेहरा लहूलुहान हुआ,
बदला तो मेरा कूपन का, तेरा किसने हार दिया? अभी चखाओ मजा उसे, अभी चखाओ मजा उसे उस राजकुमार कहलाने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर भी हाथ उठा ले। बहना के काटे ना कान, बहना के काटे ना कान, और जिंदा रहे जमाने में धिक्कार हमारा छत्रपन, लानत है शस्त्र उठाने। जाओ बहना चिंता छोड़ो, मैं बदला अभी चुकाऊंगा, बहना की नाक काटने का मैं उनको मजा चखाऊंगा। भाई खर दूसर दो तपसी आए हुए हैं, उन्होंने मेरी ये दशा की है। चलिए बहना हमें दिखाइए और वो कहां पर है। चलो हे भाई लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, तो आप सीता को लेकर पहाड़ों की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। जो आज्ञा भैया। देखो भाई वो रहे। भ्राता, आपने देखा कितना सुंदर स्वरूप है, मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसा स्वरूप देखा है। हाँ भ्राता, मुझे भी इनकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो रहा है। इनको मारने की इच्छा नहीं होती। सैनिकों, सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। जाओ और हमारा संदेशा सुनाओ, या तो वो अपनी पत्नी को हमें छोड़ जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार हो। जो आदेश सरकार। हे तपस्वी, हमारी सरकार का आदेश है, या तो आप अपनी भार्या को छोड़कर चले जाए, वरना हमारी सरकार के साथ युद्ध करे। हम क्षत्रिय हैं, वनों में शिकार करते हैं और तुम जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं। अपने सरकार से जाकर कह दो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। सेवक, क्या समाचार लाए हो? सरकार, हमने तपस्वी को जाकर कहा, हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी भार्या को हम छीन लेंगे। लेकिन सरकार, वो आपके साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अवश्य हम युद्ध करेंगे, क्योंकि उसने हमारी बहन के नाक और कान काटे हैं। जी सरकार। सैनिकों तैयार हो जाओ। तैयार सरकार, जय शंकर। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखाए, हम इस छोटी धनी वाले से क्या तलवार उठाए। राता, जब ये तपस्वी मान ही नहीं रहे हैं, तो अभी हम इनको युद्ध में हरा देते हैं। अवश्य भ्राता। योद्धा हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अवश्य युद्ध करो। अरे सारन, खड़ा हो जा, सरकार अपनी है, चल, बड़ी सरकार को खबर नहीं है। चलो चलो चलो। अरे